वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके अंदर पढ़ोगे आप ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, कि आप मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो। तो सबसे पहला ऑपरेशन रहेगा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस को ऐड करना पड़ जाए तो कैसे ऐड होगी। तो ऐड होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो होनी चाहिए आपके पास दो मैट्रिक्स जिनको भी आप ऐड करो, ठीक है जी, उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए जी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स यदि मैंने ए मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स यदि 1 2 3 5, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जी, 2 मैट रो और 2 ही कॉलम। इसी तरह मैंने बी मैट्रिक्स आपको दे दी 2 3 5 1 2 3, इसमें क्या जी 2 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं 3। तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका कितना है 2 इंटू 3। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो आप, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है नहीं। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये और ए और बी ऐड नहीं हो सकती। तो मान लिया मैंने एक और बी मैट्रिक्स दी आपको, उसका ऑर्डर मैंने आपको बताया 2 3 5 7। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी कितना होगा 2 इंटू 2। क्या अब ऐड हो सकती है, अब ऐड हो सकती है जी। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर बात आती है ऐड कैसे करोगे, तो ऐड कर दो जी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट। क्या कर दो जी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर दो। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका ए प्लस बी आंसर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ए प्लस बी कितना बनेगा, ठीक है ए प्लस बी। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हो गया ए 1 1, यानी ये हो गया, और इसका भी 1 1 एलिमेंट ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब इन दोनों को ऐड करो, ये 2 हो गया ये 3 हो गया, तो कितना हो गया दोनों को ऐड करोगे तो 5। ये 3 हो गया ये 5 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। ये 5 हो गया ये 7 हो गया, दोनों को ऐड करोगे 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हो, जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करो, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ए 1 1 में ए 1 1 जोड़ दो, ए 1 2 में ए 1 2 जोड़ दो, इसी हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा जी। और एग्जाम्पल दे के देखते हैं आपको, एक मैट्रिक्स ए दी है जी आपको, ये 1 2 3 3 2 5। एक बी मैट्रिक्स दी आपको 2 1 3 3 1 7, इसका ऑर्डर बताओ 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम। अब ए प्लस बी करो, इन दोनों को जोड़ो, फर्स्ट कितना है 1, इसका फर्स्ट कितना है 2, दोनों ऑर्डर तो सेम है ही जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3। ये बताओ ये 2 ये 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3, ये 3 दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, ये 3 दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 3, 5 और 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा जी ए प्लस बी आपके पास, ठीक है। तो ये होता है जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पहला ऑपरेशन था आपका मैट्रिसेस के ऊपर। अब हम दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे जी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जिस हिसाब से आपने एडिशन करा उसी हिसाब से हम डिफरेंस निकालेंगे जी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस का मतलब आपको पता ही है जी, सब्ट्रैक्शन करना। तो पहली कंडीशन तो वही रहेगी जैसे उसमें कंडीशन थी, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी जी, मस्ट हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए, ठीक है।
जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ली आपकी 2 3 1 5 2 7 मान लो, बी मैट्रिक्स ली मैंने 3 1 2 0 1 7। अब आपको ए माइनस बी निकालना है जी। क्या करना है, ए माइनस बी, पहले ऑर्डर देखो, दो रो तीन कॉलम, इसका क्या जी, दो रो तीन कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 × 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैसे जैसे ऐड किया था, पहले में से पहला ऐड करा था अपने एडिशन के अंदर, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कितना बचेगा, 2, 1 में से 2 घटेगा अगर आपका तो माइनस 1 होगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, 7 माइनस 7 करोगे तो 0 बचेगा, ये a माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह b माइनस ए भी निकाल सकते हो, ये आपका खुद के लिए असाइनमेंट है जी। आप b माइनस ए को ट्राई करो, एक चीज़ समझिएगा आपको, ये a मैट्रिक्स थी मान लीजिए, अब मैं आपको b मैट्रिक्स दे रहा हूँ, एक और b मैट्रिक्स दी मैंने ये आपको 2 3 5 1 2 7, इसका ऑर्डर बोलो जी, इसमें रो कितनी होगी आपकी, 3, कॉलम कितने होंगे, 2। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपसे पूछ लिया a माइनस बी बताओ, तो अब आप बताओगे कि a माइनस बी आप नॉट डिफाइन की डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी, ऑर्डर सेम नहीं है, 2 × 3 और 3 × 2 ऑर्डर सेम नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट सेम हो सकते हैं पर ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो वही सेम कंडीशन रहेगी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर दो जी, माइनस कर दो। ये था आपका, दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ जाए और सब्ट्रैक्ट किस हिसाब से करोगे। अब हम तीसरा ऑपरेशन की बात करते हैं जी, मैट्रिक्स के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तीसरा सॉरी मल्टीप्लिकेशन ही, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, किसी एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया जैसे ए मैट्रिक्स आपको दे दी मैंने आपको 2 3 5 7, स्केलर का मतलब होगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 2a बताओ, यानी a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अब आपको करना क्या होगा, इधर हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो जी, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो बताओ 4 कितना होगा, 6 कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह मैंने आपसे पूछ लिया 3a बताओ, अब क्या करो, ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को करोगे 6 9 15 और 7 3 कितना हो जाएगा, 21। ये हो जाएगा जी आपका। इसी तरह एक और एग्जांपल लेकर देखो, ए मैट्रिक्स को मैंने मान लिया आपके पास 3 1 2, इसमें ऑर्डर वगैरह के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, 5 1 7। मैंने आपसे पूछा जी 5a बताओ कितना होगा इस केस के लिए, अब हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 15, 5, 10, 25, 5 और 35। ये बन जाएगी आपके पास एक मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए किसी चीज़ से, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप डिवीजन भी कर सकते हो, अगला ऑपरेशन रहेगा फोर्थ, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 3 5 7 1 0 और मैंने आपको कहा जी a बाय 2 निकालो, यानी a मैट्रिक्स को डिवाइड करो किससे, 2 से। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था आपने, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही आप डिवाइड कर दो हर एक एलिमेंट से, 2 से डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3 बाय 2, 5 को करोगे 5 बाय 2, 7 को करोगे 7 बाय 2, 1 को करोगे 1 बाय 2, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डिवीजन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, समझ आ गई होगी जी आपको, ठीक है जी। ये था आपका ऑपरेशन फोर्थ। अब हम पाँचवा ऑपरेशन करते हैं जी, पांचवा ऑपरेशन है आपका
नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स दी हुई थी 2 3 7 1 2 3, मुझे माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है मुझे? माइनस ए, यानी हर एक, अब ए को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस से, ठीक है। तो माइनस से हर ए से मल्टीप्लाई करना है तो वही ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस सेवन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इस दोबारा अगर आप इसको ए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस प्लस से हो जाएगा। इस तरह दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 7 1 2 3, तो वापस ये बन गई कि नहीं बन गई? तो ये होगा जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जी। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इतने तक के लिए, आज के लिए इतना इस वीडियो के लिए, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जी, कमेंट करके बताएं आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है जी। सब्सक्राइब कर जरूर करें अगर आप पहली बार यूट्यूब पे हैं, चैनल पे हैं जी। और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।